हे गाइस, आपका स्वागत है वॉच रियान के एक और वीडियो में। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, आज के वीडियो में हम थॉर लव एंड थंडर के प्लॉट डिटेल्स एंड पोस्ट क्रेडिट पे बात करेंगे। एंड हालांकि ये लीक एक अनोनिमस लीकर से आ रहा है, बट ये पूरे ट्विटर एंड रेडिट पे फैल चुका है। एंड इसके पोस्ट क्रेडिट भी 100% लेजिट है, बट प्लॉट डिटेल्स को हमें 50-50 में लेना होगा। एंड ऑफकोर्स, वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग। गाइस, ये लीकर इतने डिटेल में तो नहीं गया है, बट इसने ओवरऑल पूरे मूवी के प्लॉट को पूरी तरह से बताया है, जो कि है मूवी के स्टार्ट में थॉर गार्डियंस के साथ एक मिशन में होता है। देन उसके बाद गार्डियंस थॉर को एक रिहाब सेंटर की तरह एक जगह पे छोड़ देते हैं। एंड ये होता है वो ब्लू एलियंस का सेंटोरियन प्लेनेट, जहां थॉर कॉर्क से मिलता है। देन इसी बीच जेन फॉस्टर, जिसे कैंसर हो चुका होता है, वो न्यू एस्गार्ड जाती है। एंड उसी टाइम म्योनीर उसके प्रेजेंस को सेंस करके फिर से जुड़ जाता है एंड जेन फॉस्टर को माइटी थॉर बना देता है। सो नाउ म्योनीर की मदद से उसकी बॉडी फिर से स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल भी हो जाती है, बट ओनली तब तक जब तक वो माइटी थॉर के फॉर्म में है। एंड इसका एक उसे साइड इफेक्ट भी होता है कि थॉर के पावर से उसका ह्यूमन फॉर्म पूरी तरह से वीक हो जाता है। एंड वो जब भी पावर्स को यूज करती है, उसका कैंसर और भी बढ़ता जाता है। एंड अब गौर की तरफ आते हैं, तो गौर इस तरफ गॉड इटर्निटी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसकी फैमिली मर चुकी होती है एंड उसे उन्हें वापस लाना है, बट गॉड्स का उसे कोई अता पता नहीं मिलता। एंड वो मन ही मन रिवेंजफुल हो जाता है। और इसी के बाद उसे एक स्वॉर्ड मिलता है, जो कि होता है द ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड। बट आई डोंट नो अगर वो मूवी में इसे ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड से मेंशन करेंगे कि नहीं, क्योंकि गाइस हमें पता है ऑल ब्लैक नल से ओरिजिनेटेड है एंड नल के राइट सोनी के पास है। एंड सो उस स्वॉर्ड के मिलने के बाद वो गॉड किलिंग पे निकल जाता है। देन इसी के बाद थॉर जेन एंड वैल्किरी से मिलता है एंड ये तीनों गौर को रोकने निकल जाते हैं। एंड देन ये तीनों ओलंपस जाके ज्यूस को गौर के बारे में वार्निंग देते हैं, बट इस लीकर के हिसाब से ज्यूस खुद ही इविल एंड क्रेजी होता है, तो इन तीनों को ज्यूस के साथ ही लड़ना पड़ता है। और यहाँ से वैल्किरी को ज्यूस का वेपन द थंडरबोल्ट भी मिल जाता है। और इसी बीच थॉर को ये रियलाइज हो जाता है कि जेन को कैंसर है एंड वो जब भी अपने पावर्स को यूज करती है, उसका कैंसर और भी बढ़ता जाता है। सो ऑब्वियसली वो जेन को रोकता है, बट जेन नहीं मानती, क्योंकि ये उसके लिए एक तरीका था उसके डिप्रेशन एंड सैडनेस से दूर होने का। लाइक ये उसके लिए एक तरह का एस्केप का काम करता था उसके सैड रियलिटी से। देन इन द एंड ये तीनों गॉड से लड़ते हैं एंड इसी फाइट में ही जेन का म्योनीर फिर से डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड स्पॉइलर वार्निंग अगेन, वो मर जाती है। एंड जेन के मरने से गॉड का जो रिवेंजफुल माइंडसेट था वो पूरी तरह से बदल जाता है। उसने जो कसम खाया था कि वो सारे गॉड्स को मार के ही मानेगा, वो भूल जाता है। एंड इसके बाद लीकर के हिसाब से गौर की बेटी भी वापस आ जाती है, आई डोंट नो हाउ, बट गौर अनफॉर्चुनेटली मर जाता है। एंड इन द एंड थॉर एक तरह का गार्डियन बन जाता है गौर की बेटी का। सो नाउ गाइस, मुझे ये तो नहीं पता कि ये प्लॉट डिटेल पूरी तरह से लेजिट होगा कि नहीं, बट आई वुड सजेस्ट यू दैट वी शुड टेक इट विद 50-50। देन गाइस, पोस्ट क्रेडिट की बात करें तो फर्स्ट वाले में हमें देखने मिलता है कि ज्यूस अपने बेटे हरक्यूलिस को भेजता है थॉर को मारने के लिए, जो कि थॉर 5 का टीज होगा। देन सेकंड वाले की बात करें तो गाइस, सेकंड एंड क्रेडिट पे हमें देखने मिलेगा कि हेमडाल जेन को वैलहाला में वेलकम करेगा। एंड वैलहाला गाइस एक ऐसा आफ्टर लाइफ रियल्म है जहां पे एस्गार्ड्स के वॉरियर्स मरने के बाद जाते हैं। एंड ये रियल्म उनके लिए एक तरह का एक ऑनर है बोल सकते हैं, एंड आल्सो हेवन फॉर देम टू। तो गाइस, आपको ये प्लॉट कैसा लगा ये मुझे जरूर बताएं, क्योंकि लीकर ने तो इसे इतने डिटेल में नहीं बताया है, बट उसने सारे मेन पार्ट्स को मेंशन किया है। एंड आल्सो गाइस, इसके दोनों पोस्ट क्रेडिट्स ही बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, क्योंकि ना कि हमें थॉर 5 का टीज मिलने वाला है, बट आल्सो हमें हरक्यूलिस एंड वैलहाला को पहली बार देखने मिलेगा, एंड आल्सो हेमडाल भी, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। एंड आगे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, थ्योरीज, ब्रेकडाउन्स एंड आपको जो भी चाहिए इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड प्लीज शो सम सपोर्ट। एंड मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।